चीफ योगेश शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कैसे रोकेगी सेकुलर वोट के बिखराव को, बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि पहली सूची में बीएसपी ने 14 सीट पर मुस्लिम को दिए टिकट, 9 दलित वर्ग को टिकट दिए गए। दूसरी ओर कांग्रेस ने 20 मुस्लिम चेहरों पर खेला दाव। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने करीब 37 टिकट दिए दलित वर्ग को। वहीं सपा रालोद गठबंधन ने 29% मुस्लिम टिकट दिए अब तक। इसमें खास बात ये कि बीएसपी और कांग्रेस दोनों का फोकस मुस्लिम फैक्टर पर है। यूपी में तकरीबन 19% मुस्लिम आबादी है, शहरी क्षेत्रों में 32% मुस्लिम आबादी निवास करती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 16% मुस्लिम तबका रहता है। अभी ओबीसी की पार्टी AIMIM के करीब 90 प्रत्याशी सामने आने शेष है। ममता बनर्जी तभी जीती थी बंगाल में जब मुस्लिम वोट में नहीं लगी थी सेंध। एकजुट सेकुलर वोट बंगाल में टीएमसी की ताकत बना था। यूपी को लेकर सवाल, क्या साइकिल रोक पाएगी मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव को, तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस जो है वो मुस्लिम वोट बैंक पर है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम वोटर्स, तो ऐसे में लगातार बिखराव नजर आ रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी रोक पाएगी सेकुलर वोट के बिखराव को, बेहद महत्वपूर्ण सवाल। पहली सूची में बीएसपी ने 14 सीट पर मुस्लिम को दिए थे टिकट, तो वहीं 9 दलित वर्ग को टिकट दिए गए। दूसरी ओर कांग्रेस ने 20 मुस्लिम चेहरों पर दाव खेला है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने करीब 37 टिकट दिए हैं दलित वर्ग को। वहीं सपा रालोद गठबंधन ने 29% मुस्लिम टिकट दिए अब तक। इसमें खास बात यह है कि बीएसपी और कांग्रेस दोनों का फोकस मुस्लिम फैक्टर पर है। यूपी में तकरीबन 19% मुस्लिम आबादी है, शहरी क्षेत्रों में 32% मुस्लिम आबादी निवास करती है, जबकि ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर 16% मुस्लिम तबका रहता है। अभी ओबीसी की पार्टी AIMIM के करीब 90 प्रत्याशी सामने आने शेष है। ममता बनर्जी तभी जीती थी बंगाल में जब मुस्लिम वोट में नहीं लगी थी सेंध। एकजुट सेकुलर वोट बंगाल में टीएमसी की ताकत बना था। यूपी को लेकर सवाल भी उठ रहा है, क्या साइकिल रोक पाएगी मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव। चलिए अब बात करते हैं देश में मंगल टीके के एक साल को। तो आपको बता दें, सीएम गहलोत की पहल पर राजस्थान ने कोरोना टीकाकरण में निभाई अहम भूमिका। प्रदेश में लक्षित समूह में से 4,43,83 लाख ने लगाई पहली डोज। राजस्थान के लक्षित वर्ग के मुकाबले 94% लोगों ने लगाई पहली डोज, जबकि 3,74,00,000 लोगों ने दोनों डोज लगवाकर किया खुद को सुरक्षित। कोरोना वैक्सीनेशन के लक्षित वर्ग का यह आंकड़ा 77.5%। 15+ एज ग्रुप में 24.41 लाख बच्चों ने लगाई कोरोना की वैक्सीन। तो आज एक साल पूरा हुआ है देश में मंगल टीके का, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आई और आज ही के दिन ठीक एक साल पहले पहला टीका लगाया गया था। तो सीएम गहलोत की पहल पर राजस्थान ने कोरोना टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश में लक्षित समूह में से 4,83,00,000 लोगों ने पहली डोज लगवाई है, तो वहीं राजस्थान के लक्षित वर्ग के मुकाबले 94% लोगों ने लगाई है पहली डोज, जबकि 3,74,00,000 लोगों ने दोनों डोज लगवाकर अपने आप को कोरोना से सुरक्षित किया है। कोरोना वैक्सीनेशन के लक्षित वर्ग का यह आंकड़ा 77.5% है। 15+ एज ग्रुप में 24,41,000 बच्चों ने लगाई है कोरोना की वैक्सीन। अलवर प्रकरण से जुड़ी बड़ी खबर है, जैकलोन अस्पताल में ट्रीटमेंट के 5 दिन बाद बच्ची का ओरल लिक्विड शुरू किया गया है। पहले दिन बच्ची को मुंह से दिया गया 2-4 चम्मच पानी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला बनाए हुए हैं बच्ची के ट्रीटमेंट पर नजर। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि बच्ची की हालत अब काफी स्थिर है, फिलहाल बच्ची को मुंह से दिया जा रहा है सिर्फ पानी। यदि बच्ची का रिस्पॉन्स रहा ठीक तो 3 से 4 दिन में भोजन भी कर दिया जाएगा शुरू। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर शुक्ला का बयान, बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर किसी भी तरह के पेनिट्रेशन की पुष्टि नहीं है, तो ये थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई कि बच्ची की हालत अब पहले से स्थिर है और डॉक्टर खुद उनके इलाज पर नजर बनाए हुए हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे इलाज में। तो अलवर प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर भी है कि जैकलोन अस्पताल में ट्रीटमेंट के 5 दिन बाद बच्ची का ओरल लिक्विड शुरू किया गया है। पहले दिन बच्ची को मुंह से दिया गया 2 से 4 चम्मच पानी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला बच्ची के ट्रीटमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि बच्ची की हालत अब काफी स्थिर है, फिलहाल बच्ची को मुंह से दिया जा रहा है सिर्फ पानी। यदि बच्ची का रिस्पॉन्स ठीक रहता है तो 3 से 4 दिन के बाद भोजन भी शुरू कर दिया जाएगा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर शुक्ला का बयान कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर किसी भी तरह के पेनिट्रेशन की पुष्टि नहीं है।
ईसीआई के राजनीतिक दलों को दी छूट का साइड इफेक्ट। इंडोर सभा में 300 लोगों की अनुमति देने का साइड इफेक्ट। अब होटल उद्योग के प्रतिनिधियों ने मांगी अनुमति। एक शादी में अधिकतम 300 मेहमानों को इजाजत देने का अनुरोध किया गया है। विवाह हॉल की कुल क्षमता के 50% मेहमानों को इजाजत देने का अनुरोध। एक वक्त में 300 की संख्या से अधिक न होने की शर्त लगाने का किया अनुरोध। अभी 50 लोगों की अनुमति देने से हो रही है परेशानी। करीब 35 अन्य उद्योग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। खानपान, संगीत, बैंड, फूल वाला, लाइट, टेंट वाले भुगत रहे हैं खामियाजा। होटल व रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन पदाधिकारी इसे लेकर कल देंगे ज्ञापन। राज्य सरकार में आला अधिकारियों को वो देंगे ज्ञापन। चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई। सबसे पहले 15 जनवरी तक उसके तहत सभी नुक्कड़ सभाओं पर, रैलियों पर रोक लगा दी गई थी। सिर्फ डिजिटली पार्टियां प्रचार प्रसार कर सकती थी, पर अब ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई और 22 जनवरी तक ये कहा गया कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पर 300 लोग से ज़्यादा उस सभा में नहीं होने चाहिए, बाकी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो अब ऐसे में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला है। साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो होटल उद्योग के लोग हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि शादी समारोह में लोगों की संख्या जो प्रतिबंधित करके 50 कर दी गई है, तो वहाँ पर भी मेहमानों की संख्या को बढ़ाया जाए और मेहमानों की संख्या को 300 कर दिया जाए। तो विवाह हॉल की कुल क्षमता के 50% मेहमानों को इजाजत देने का अनुरोध किया गया है। एक वक्त में 300 की संख्या से अधिक न होने की शर्त लगाने का भी अनुरोध किया है। अभी 50 लोगों की अनुमति देने से परेशानी हो रही है। करीब 35 अन्य उद्योग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। शादी समारोह के दौरान खानपान की व्यवस्था देखने वाले, संगीत वाले, बैंड वाले, फूल वाले, लाइट और टेंट व्यवसायी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन पदाधिकारी इसे लेकर कल ज्ञापन देंगे। राज्य सरकार में आला अधिकारी को ज्ञापन वो देंगे। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का सितम बरकरार है। हल्की धूप खिलने के बाद दिन में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। करीब 10 बजे बाद धूप निकली लेकिन कम ही रहा असर। बर्फीली हवाओं के चलते नहीं कम हो रही है कपकपाहट। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ज्यादातर लोग आज नहीं निकले बाहर। मौसम विभाग के अनुसार अभी 4 दिन और चलेगी सर्द हवाएं। प्रदेश की सीकर, करौली, धौलपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, बीकानेर समेत 10 शहरों में 5 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ तापमान। माउंट आबू में जमाव बिंदु से नीचे -2 डिग्री रहा तापमान। प्रदेश के आधे हिस्से में रविवार को छाया रहा घना कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार कल से कोहरे से मिलेगी थोड़ी राहत। मौसम शुष्क बने रहने के साथ आसमान में छाए रहेंगे बादल। तो मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले दिन में थोड़ी ठंड महसूस होगी। अभी फिलहाल ठंड से राहत आम लोगों को नहीं मिलने वाली है, प्रदेश की जनता को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार बरकरार है। तो वहीं कई शहर आज सुबह कोहरे के आगोश में भी नजर आए। हल्की धूप खिलने के बाद दिन में भी लोगों को राहत नहीं मिली, तो करीब 10 बजे बाद धूप निकली लेकिन कम ही असर उसका रहा। बर्फीली हवाओं के चलते कपकपाहट भी कम नहीं हो रही है। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ज़्यादातर लोग आज घरों से बाहर नहीं निकले, पर वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा था जितनी ठंड थी कि वीकेंड कर्फ्यू के साथ एक और कर्फ्यू लग गया है, कोल्ड कर्फ्यू, जिसकी वजह से लोग घरों में दुबके रहे। तो मौसम विभाग के अनुसार अभी 4 दिन और चलेगी सर्द हवाएं। प्रदेश के सीकर, करौली, धौलपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, बीकानेर समेत 10 शहरों में 5 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है तापमान। माउंट आबू में जमाव बिंदु से नीचे -2 डिग्री रहा तापमान। प्रदेश के आधे हिस्से में रविवार को छाया रहा घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई, वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार कल से कोहरे से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम शुष्क बने रहने के साथ आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में कल से सुनवाई का नया रोस्टर। सीजे अकील कुरैशी कल से करेंगे जयपुर पीठ में सुनवाई। नए रोस्टर में 2 खंडपीठ सहित 12 एकल पीठ का किया है गठन। पहली खंडपीठ में सीजे अकील कुरैशी व जस्टिस समीर जैन करेंगे सुनवाई। दूसरी खंडपीठ में जस्टिस एमएम श्रीवास्तव, जस्टिस वीरेंद्र कुमार करेंगे सुनवाई। सीजे की खंडपीठ डीबी स्पेशल अपील रिट, डीबी पीआईएल मैटर्स सहित डीबी टैक्स मैटर्स आदि मामलों की करेंगे सुनवाई। दूसरी खंडपीठ डीबी स्पेशल अपील सिविल, डीबी फैमिली मैटर्स, डीबी कैट मैटर्स, डीबी क्रिमिनल लीव टू अपील,
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अवमानना मामलों की करेंगे सुनवाई। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ करेगी सिविल संबंधी मामलों की सुनवाई। जस्टिस पंकज भंडारी की एकलपीठ करेगी पुरानी सिविल विविध याचिका मध्यस्थता के मामलों की सुनवाई। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत करेगी नई सिविल विविध याचिकाओं पर सुनवाई। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ करेगी सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई। जस्टिस अशोक कुमार गौड़, जस्टिस नरेंद्र सिंह डड्ढा सहित जस्टिस चंद्र कुमार सोनग्रा की एकलपीठ करेगी जमानती प्रकरणों की सुनवाई। जस्टिस मनोज कुमार व्यास की अदालत करेगी पुरानी सिविल फर्स्ट अपील संबंधी मामलों की सुनवाई। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ करेगी नई आपराधिक विविध याचिकाओं पर सुनवाई। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ करेगी अवमानना व एमएससीटी की अपील संबंधी मामलों की सुनवाई। जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत करेगी आपराधिक अपील संबंधी मामलों की सुनवाई। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अदालत करेगी सिविल विविध अपील संबंधी मामलों की सुनवाई। तो हाईकोर्ट जयपुर पीठ में कल से सुनवाई का नया रोस्टर जारी कर दिया गया है। सीजे अकील कुरैशी कल से करेंगे जयपुर पीठ में सुनवाई। नए रोस्टर में 2 खंडपीठ सहित 12 एकलपीठ का किया गया है गठन। पहली खंडपीठ में सीजे अकील कुरैशी व जस्टिस समीर जैन करेंगे सुनवाई। दूसरी खंडपीठ में जस्टिस एमएम श्रीवास्तव, जस्टिस वीरेंद्र कुमार करेंगे सुनवाई। सीजे की खंडपीठ डीबी स्पेशल अपील, रिट डीबी पीआईएल मैटर्स सहित डीबी टैक्स मैटर्स आदि मामलों की करेंगे सुनवाई। दूसरी खंडपीठ डीबी स्पेशल अपील सिविल, डीबी फैमिली मैटर्स, डीबी कैट मैटर्स, डीबी क्रिमिनल लीव टू अपील, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अवमानना मामलों की करेगी सुनवाई। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की एकलपीठ करेगी सिविल संबंधी मामलों की सुनवाई। जस्टिस पंकज भंडारी की एकलपीठ करेगी पुरानी सिविल विविध याचिका मध्यस्थता के मामलों की सुनवाई। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत करेगी नई सिविल विविध याचिकाओं पर सुनवाई। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ करेगी सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई। जस्टिस अशोक कुमार गौड़, जस्टिस नरेंद्र सिंह डड्ढा सहित जस्टिस चंद्र कुमार सोनग्रा की एकलपीठ करेगी जमानती प्रकरणों की सुनवाई। जस्टिस मनोज कुमार व्यास की अदालत करेगी पुरानी सिविल फर्स्ट अपील संबंधी मामलों की सुनवाई। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ करेगी नई आपराधिक विविध याचिकाओं पर सुनवाई। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ करेगी अवमानना व एमएससीटी की अपील संबंधी मामलों की सुनवाई। जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत करेगी आपराधिक अपील संबंधी मामलों की सुनवाई। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अदालत करेगी सिविल विविध अपील संबंधी मामलों की सुनवाई। ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कैसे रोकेगी सेकुलर वोट के बिखराव को। पहली सूची में बीएसपी ने 14 सीट पर मुस्लिम को दिए टिकट, 9 दलित वर्ग को टिकट दिए गए। दूसरी ओर कांग्रेस ने 20 मुस्लिम चेहरों पर खेला दाव। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने करीब 37 टिकट दिए दलित वर्ग को, वहीं सपा रालोद गठबंधन ने 29% मुस्लिम टिकट दिए अब तक। इसमें खास बात, बीएसपी और कांग्रेस दोनों का फोकस मुस्लिम फैक्टर पर। यूपी में तकरीबन 19% मुस्लिम आबादी है, शहरी क्षेत्रों में 32% मुस्लिम आबादी करती है निवास, जबकि ग्रामीण इलाकों में 16% मुस्लिम तबका रहता है। अभी ओबीसी की पार्टी AIIMIM के करीब 90 प्रत्याशी सामने आने शेष है। ममता बनर्जी तभी जीती थी बंगाल में जब मुस्लिम वोट बैंक में नहीं लगी थी सेंध। एकजुट सेकुलर वोट बंगाल में टीएमसी की ताकत बना था। यूपी को लेकर सवाल, क्या साइकिल रोक पाएगी मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव। जयपुर में खुलेगा एनआईए थाना, केंद्रीय वित्त विभाग ने दी इसके लिए स्वीकृति। जयपुर, भोपाल, पटना, अहमदाबाद सहित 6 जगह खुलेंगे थाने। थाने खुलने से 300 से नए पद होंगे सृजित। आतंकी गतिविधियों पर सीधे तौर पर यहीं से रखी जाएगी नजर। राजस्थान का बड़ा हिस्सा जुड़ा है पाकिस्तान में। प्रदेश में बड़ी है पिछले कुछ समय से संदिग्ध गतिविधियां। स्लीपर सेल्स और ISI के गुर्गों पर कसा जा सकेगा शिकंजा। तो बड़ी पहल की जाएगी और इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि जयपुर में खुलेगा NIA थाना, केंद्रीय वित्त विभाग ने इसके लिए स्वीकृति दी है। जयपुर, भोपाल, पटना, अहमदाबाद सहित 6 जगह खुलेंगे ये थाने। थाने खुलने से 300 से नए पद होंगे सृजित, यानी कि लगभग अनुमान यही लगा जा रहा है कि 300 से ज्यादा नए पद सृजित होंगे। आतंकी गतिविधियों पर सीधे तौर पर यहीं से नजर रखी जाएगी। राजस्थान का बड़ा हिस्सा जुड़ा है पाकिस्तान से। प्रदेश में बड़ी है पिछले कुछ समय से संदिग्ध गतिविधियां। स्लीपर सेल्स और ISI के गुर्गों पर कसा जा सकेगा शिकंजा। आज जयपुर एयरपोर्ट से सुबह की 11 फ्लाइट रद्द। कोरोना का फ्लाइट्स के संचालन पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। कम यात्री भार के चलते दोपहर 1 बजे तक की 11 फ्लाइट रद्द हुई है। रात 12:40 पर गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C6
768 रद्द हो गई, तो वहीं सुबह 5:15 पर बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6839 रद्द हो गई। सुबह 6:30 स्पाइस जेट उदयपुर की फ्लाइट SG2973 रद्द। सुबह 7:40 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E5089 रद्द। सुबह 8:40 पर देहरादून जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E7277 रद्द। सुबह 8:45 पर मुंबई जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8389 रद्द। सुबह 8:50 पर इंदौर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E7359 रद्द। सुबह 9:05 पर कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8703 रद्द। सुबह 11:20 पर अहमदाबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G81703 रद्द। दोपहर 12:25 पर चेन्नई की एयर एशिया की फ्लाइट I5 1229 रद्द। दोपहर 1:20 पर हैदराबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8506 रद्द हो गई। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सीएम गहलोत ने किया आगाह, कहा आमजन ओमिक्रॉन को घातक ना मानकर लापरवाही कर रहे हैं, परंतु संक्रमित हुए लोगों का अनुभव अलग है। इससे उल्टी आना, पेट दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, कमजोरी जैसी परेशानियां, पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद भी ये परेशानियां हो रही है। ओमिक्रॉन को हल्के में ना लें एवं इससे बचने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं एवं वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रिकॉशन डोज लगवाने में भी ना हिचकिचाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से अपील की है, क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं कि कई लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को बहुत हल्के में ले रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू आज लगा। शनिवार रात 11:00 से सोमवार सुबह 5:00 तक कर्फ्यू। जयपुर समेत प्रदेश भर में इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर सब कुछ बंद। आज बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब रहे बंद। सिर्फ रोजमर्रा की आम जरूरत की चीजों की ही दुकानें खुली हैं। मेडिकल और केमिस्ट स्टोर, डेयरी बूथ, दूध, फल, सब्जी की दुकानें, किराना की दुकानें भी रात 8:00 तक ही रहेंगी खुली। इनके अलावा लगातार प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री यूनिट, आईटी, टेलीकॉम सर्विसेज, शादी समारोह, इमरजेंसी सर्विसेज, ऑफिस, माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों के वाहनों को आवाजाही में छूट। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज से जुड़े ऑफिस कर्फ्यू के दायरे से बाहर। इस बार स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी, ठेले वालों को कर्फ्यू के दौरान नहीं दी गई छूट। वीकेंड कर्फ्यू से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रही कम। पुलिस की गाड़ियां शहर में घूम घूम कर करा रही कर्फ्यू की पालना। बहुप्रतीक्षित तबादला सूची आज, आईएएस आईपीएस की तबादला सूची आज रात किसी भी क्षण जारी हो सकती है सूची। अब फाइल पर केवल मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। बस अब इंतजार यही किया जा रहा है कब मुख्यमंत्री की ओर से इस फाइल पर मंजूरी दे दी जाए। बहुप्रतीक्षित तबादला सूची आज जारी हो जाएगी, यही अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि आईएएस आईपीएस की तबादला सूची ये है और आज रात किसी भी क्षण ये जारी हो सकती है। अब फाइल पर केवल मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश में सर्दी के तीखे तेवर, सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट। प्रदेश में करीब सभी जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, कोल्ड वेव से बढ़ी कपकपी। अधिकांश जिलों में छाया हुआ है कोहरा। सर्दी के कारण रजाई कंबलों में दुबके लोग, वीकेंड कर्फ्यू के कारण भी आज लोग नहीं निकले घर से बाहर। अगले 3 से 4 दिन भी पड़ने वाली है भारी सर्दी। बादल छाने के साथ हवा चलने से पारे में आ सकती है और गिरावट। कई इलाकों में छा सकता है घना कोहरा।